सनातन पर आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयनिधि स्टाले ने विवादास्पद बयान दिया और अब डीएमके सांसद ए राजा का भी बयान सामने आ चुका है। सनातन पर ए राजा ने भी विवादास्पद बयान दिया है। ए राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी से की है। ए राजा ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग से कर डाली, यानी ये जो बयानों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा। माफी मांगनी तो दूर की बात है। ए राजा ने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग बताया है। एक बार फिर से ये विवादित बयान दिया गया है। वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने INDIA गठबंधन पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश को विनाश के पथ पर ले जाना, सनातन धर्म को नष्ट करना, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार व्यापक करना ही INDIA गठबंधन का असली चेहरा है। और जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा जो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। ये एक गुट 28 दलों की देश के को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार व्यापक करने के लिए, तुष्टीकरण व्यापक करने के लिए, यही इनका असली चेहरा है। सनातन पर जारी सियासी महाभारत के बीच एक के बाद एक विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच RJD नेता जगदानंद सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने गरीबों को पूछने वाला था? अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाते राजस्थान BJP के अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट जाएंगे, अकबर भी, औरंगजेब भी, गजनवी भी, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे कई आए और चले गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के वीरों और शूरवीरों ने सनातन धर्म को कभी खत्म नहीं होने दिया और यही हमारा आधार है। आज सनातन धर्म तो पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, आप क्यों सनातन के पीछे पड़े हो? सनातन को कोई न तो खत्म कर पाया है न वो जीवन में कभी कर पाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने पलटवार किया है। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी न करने की नसीहत दी है। तो ST हसन ने उदयनिधि स्टालिन को सलाह दी है और ये कहा कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी ना करें, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे हैं, अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की जीवन पद्धति है। हम समझते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों की दिलाजारी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने धर्मों को सब लोग पालन करते हैं और सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक सिखाया है, तो हम तो यही समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश में संविधान और सनातन दोनों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मुगल आकर चले गए, उन्हें दमन के साथ भी वो सनातन को नष्ट नहीं कर सके। अंग्रेज मानते थे, मैकाले की रिपोर्ट इस बात का गवाह है कि हमारी सांस्कृतिक विरासतें जब तक कम नहीं तोड़ेंगे नहीं तब तक उनको गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। वो भी चले गए और आज जो लोग बोल रहे हैं मैं उनसे कहता हूं कि मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। वो संविधान पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो तमिलनाडु सरकार के मंत्री हैं, उनके पिता चीफ मिनिस्टर हैं। क्या भारत के संविधान में किसी भी पूजा पद्धति को नष्ट करने का अधिकार किसी ने दिया है? और इसलिए मुझे लगता है कि वो संविधान को चुनौती देने की गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं।
ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए और इन्हें सबक भी मिलना चाहिए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान करना कुछ लोगों का फैशन बन चुका है और बहुत दिनों से, और इंडिया शब्द का की उत्पत्ति अंग्रेजों के आने के बाद हुई है। इस देश का नाम भारत था, भारत रहेगा, हमेशा रहा है। सनातन पर जारी घमासान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोग सनातन धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को जाने बिना लोग बयानबाजी कर रहे हैं। तो सनातन पर गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लोग सनातन की परीक्षा ले रहे हैं, सनातन की यहाँ पर परीक्षा ले जा रही है, बिना कुछ जाने ही लोग इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। सनातन की सहिष्णुता ही सनातन का सबसे बड़ा पूंजी है और सनातन की परीक्षा लोग ले रहे हैं और सनातन की परीक्षा ना लें। सनातन धर्म को जाने बगैर सनातन में राम भी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथों में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र। सनातन पर दिए गए विवादित बयान के बाद उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संतों में आक्रोश है। अयोध्या छावनी की तपस्वी जगत गुरु रामचंद्र परमहंस दास ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जो व्यक्ति सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहा था वो इतना डर गया, क्योंकि बाप उसका मुख्यमंत्री, अब बेटा समाज कल्याण मंत्री, वहां केस तो उसके ऊपर बनता है। अगर वो इस तरह का बयान न दिया होता तो फिर उसके पहले तो हम लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन जब उसने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहा तो सनातन धर्म तो तब समाप्त होगा ना, जब सनातन धर्म को मानने वाले समाप्त हो, उसको मारा जाए। तो सनातन धर्म को मानने वाले 80% भारत में हैं, लगभग 120 करोड़ हैं। 120 करोड़ लोगों की हत्या करने का बयान समाज कल्याण मंत्री उदय निधि स्टालिन ने दिया, उसके विरोध में मैंने कहा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा करते हुए उदयनिधि को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। दयानिधि स्टालिन साहब जो है मंत्री है और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उसे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब, ये आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है, मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी का अपने अपने आस्था होती है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। वकील ए राजा पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर ए राजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, दिल्ली पुलिस से यह शिकायत की गई है और यहाँ पर ए राजा पर आरोप है कि सनातन धर्म का अपमान किया है इन्होंने। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। इट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज I would invite everybody to read. भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। भारत ही नाम है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो लिखा है ये बहुत सही है। चीड़ क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों जलन हो रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत की बात की है।
उन्होंने कहा कि जो देश भारत से अलग हो चुके, उन्हें लगता है कि उनसे गलती हो गई है और अलग हुए देश फिर भारत से जुड़ना चाहते हैं। तो मोहन भागवत ने अखंड भारत पर बयान दिया है, उन्होंने एक बार फिर से अखंड भारत की बात की है। उन्होंने कहा कि जो देश भारत से अलग हो गए हैं, उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है और अलग हुए देश फिर से भारत से जुड़ना चाहते हैं। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोछ डालना, ऐसा नहीं है। केवल उससे नहीं होगा, भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। इंडिया वर्सेस भारत को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस पर बहस की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से आए एक निमंत्रण पत्र से हुई जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। वही प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे के प्रेस नोट में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा होने से इस मामले ने और तूल पकड़ा और अब इस मुद्दे पर देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है। एक देश एक नाम पर मचा घमासान, भारत नाम से विपक्ष हो रहा परेशान, इंडिया की जगह भारत लिखने पर उठाए सवाल। एक तरफ देश में G20 का मंच सजा है, वहीं देश के नाम को लेकर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले G20 के डिनर आमंत्रण पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना और फिर प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे के नोट पर